गेट इनटू मेडिटेशन आप कॉन्सेंट्रेशन ट्राई कर रहे हैं. कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है कि आप कोई भी एक थॉट को या कोई भी एक इमेज को लेके कॉन्सेंट्रेट करते हैं. दैट विल हेल्प यू रिड्यूस द नंबर ऑफ थॉट्स इन अ मोमेंट. योगा ऐसी क्रिया है जो हमारी माइंड, बॉडी और सोल को कनेक्ट करता है, और इसे और भी बेहतर जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर अंकित अग्रवाल जी, जो कि योगा टीचर हैं. और आपका बहुत बहुत स्वागत है द गुड हेल्थ शो में सर. सर, योगा की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील भी आने लगता है. ऐसा लगता है कि योगा की बात कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, और आज के टाइम में योगा को लेकर अवेयरनेस आ भी रही है. लोग अपनी जितना बॉडी पर अब ध्यान देते हैं तो वो एक्सरसाइज जितना करते हैं वो सोचते हैं कि योगा भी करेंगे तो उनका माइंड, बॉडी, सोल, वो कनेक्शन आएगा एंड वो अपनी लाइफ में उसको लाने की कोशिश करते हैं. बट बड़ा मुश्किल होता है रोज एक ही चीज बार बार करना और चेंजेस ना देखना अपने अंदर, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है जो आपको एकदम से चेंज नहीं करता है. आपको उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, एंड आज हम इसी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे. तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ योगा टीचर, आपने आप बहुत टाइम से योगा सिखा रहे हैं, आपको 10-12 साल हो गए हैं, तो आपको ऐसा क्या फील हुआ या फिर आपके दिल में ऐसा क्या आया कि मुझे योगा करना है? क्योंकि आज के टाइम में लोगों को योगा इसलिए करना है क्योंकि इंस्टाग्राम पर कूल लगता है. लेकिन आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आपने सोचा कि चलिए मैं योगा शुरू करता हूँ अपने जीवन में, और आपकी लाइफ में इस योगा से क्या क्या चेंजेस आए? योगा कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे योगा टीचर बनना है, पर मेरे मन में कुछ सवाल थे जैसे कि व्हाट इज लाइफ, व्हाई आई एम हियर, और यही सर्च मुझे योगा के पास मिली. फिर मैंने कुछ आश्रमों में जाके योगा सीखा, दीप इन ऋषिकेश, मैसूर और केरला, और अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने के बाद मैंने और मेरे दोस्त राकेश ने ये 2012 में डिसाइड किया दैट वी नीड टू ओपन द स्टूडियो योगाशयन एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ योगा. आपने ये सोचा कि अगर मैंने कुछ गेन किया है तो मैं लोगों के साथ वो शेयर करूं. बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है कि होता है ना कि लाइफ का पर्पस ही ये है, टू गिव एंड टू रेज अवेयरनेस, टू शेयर. वेरी नाइस सर. सर, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला अपनी ऑडियंस से कि योगा में बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक महीना जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने लग जाते हैं अगर हम रेगुलर कर रहे हैं. बट योगा का क्या है कि योगा आपको करना पड़ता है, थोड़ा रेगुलर उसको रखना पड़ता है, थोड़ा दिल से उस चीज को समझना पड़ता है, तब आप टाइम के साथ चेंजेस देखते हैं. तो लोगों का ये सवाल होता है कि हम योगा करते हैं लेकिन हमें कुछ होता नहीं, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं योगा, हम तो एक्सरसाइज ही कर लेंगे. तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सी, योगा से फर्क पड़ता है लेकिन इट टेक्स टाइम. जनरली लोग जब योगा को अप्रोच करते हैं तो उनके मन में काफ़ी सारे ख्याल होते हैं. किसी को वेट लॉस करना होता है, किसी को कोई डिजीज मैनेजमेंट करनी होती है, लेकिन योगा इज नॉट इंस्टेंट. ये एक तरह का लाइफ स्टाइल है जो आपको योगा आसन और ध्यान के साथ साथ अपने डाइट पे, अपने लाइफ स्टाइल पे, यू हैव टू ब्रिंग फोकस, देन यू विल सी बेनिफिट्स ऑफ योगा कमिंग इन योर लाइफ. हाँ जी, मतलब मैंने कहीं से ये सुना है या पढ़ा है, कह सकते हैं कि योगा से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट्स हैं, आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं, आपकी स्किन के लिए बेनिफिट्स हैं, और आपके माइंड, बॉडी, सोल, जब हम इसको बोलते हैं कि कनेक्ट होती है, तो लिटरली ये तीनों चीज़ों में बेनिफिट है. लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करेंगे कि हमको पतला होना है या फिर हमको सर मैं एक महीने के लिए योगा सीखना चाहती हूँ क्योंकि मेरी शादी है, तो अगर ये वाला थॉट है तो नहीं हो पाएगा. इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और अगर आप इससे लीन हो रहे हो या फिर अगर आपकी बॉडी का पोस्चर बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये एक बोनस में आ रहा है. ये सबसे पहले आपकी माइंड और आपकी बॉडी को कनेक्ट करता है, और उसके बाद ये सारे बेनिफिट्स आते हैं. सर, अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा, तो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमारी लाइफ में हम देख सकते हैं अगर हम योगा को कॉन्टिन्यूस बेसिस पर करते हैं? तो अगर आप योगा आसनास की बात करें तो इट टेक्स ओवरऑल हेल्थ ऑफ योर बॉडी, एंड इन आवर बॉडी देर आर सो मेनी सिस्टम, जैसे मस्कुलर सिस्टम है,
स्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है. सो इट रियली हेल्प्स कि आपके सारे सिस्टम्स को ये अच्छे तरह से चलाने में मदद करता है, विच मीन्स यू आर डिजीज फ्री. एंड इफ यू टॉक अबाउट मेडिटेशन, इट टेक्स केयर ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो इट रियली हेल्प्स यू टू रिलैक्स एंड बी स्ट्रेस फ्री. सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ योगा विच यू कैन. ओके, एंड अगर हम अलग अलग पोस्चर्स करते हैं योगा के, तो उसमें भी अलग अलग बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जिससे हमारा बैक पेन कम होता है, कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जिसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कुछ ऐसे हैं जो हमारे पीरियड क्रैम्प्स में हेल्प करते हैं. तो अलग अलग पोस्चर्स अलग अलग बेनिफिट्स ही देते हैं, ये हम कह सकते हैं. सर, अगर मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में भी सेम यही है कि मैं तो 10 मिनट तक बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है. मेरा घर में आज क्या खाने में बना होगा, आज मैं खाना कैसे बनाऊंगी, आज जाना भी है, ये भी करना है, वो तो बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं माइंड में जब हम मेडिटेशन करते हैं. तो लोगों का सवाल यही है हमारे, मतलब जो हमारी ऑडियंस है, काफी बार पूछते हैं कि मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है, और अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो इनको कैसे हटा सकते हैं. मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट इज मेडिटेशन और हम इसको कैसे कर सकते हैं. सो माय सजेशन इज कि बिफोर यू गेट इनटू मेडिटेशन, आप कंसंट्रेशन ट्राई कर लो. कंसंट्रेशन में क्या होता है कि आप कोई भी एक थॉट को या कोई भी एक इमेज को लेके कंसंट्रेट करते हैं, दैट विल हेल्प यू रिड्यूस द नंबर ऑफ थॉट्स इन अ मिनट. लेट्स से आपका माइंड बहुत फास्ट चल रहा है, जैसे आपने कहा कि ध्यान में माइंड इज गोइंग हियर एंड देयर, तो अगर आप ब्रिंग योर फोकस टू द कंसंट्रेशन, आप एक चीज पे लाते हैं, तो आपका माइंड विल बिकम स्लो. एंड देन यू विल एंटर इनटू मेडिटेशन इफ यू प्रैक्टिस कंसंट्रेशन थोड़ा लंबे समय. ओके, तो अगर किसी को मेडिटेशन स्टार्ट करनी है और वो अगर बिगिनर है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करें, उससे काफी जल्दी और अच्छे से वो कर पाएंगे. सर, आप कैसे डिफाइन करेंगे जो ये कनेक्शन है योगा और मेडिटेशन का, ये क्या है? अगर हम समझना चाहें कि, क्योंकि हमने ये सुना है कि अगर आप योगा करते हैं ना, आपको मेडिटेशन जरूरी है, मेडिटेशन करते हैं तो योगा आप करोगे तो और बेनिफिट मिलेगा, तो ये कनेक्शन मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा समझाएंगे. जरूर. सो योगा एंड मेडिटेशन, आसना और मेडिटेशन, दोनों दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर और एक दूसरे के पूरक है. बिकॉज योगा आसना विल वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी एंड मेडिटेशन विल वर्क ऑन योर माइंड. कोई भी काम हम करते हैं तो ऑब्वियसली हम फिजिकली करते हैं, बट योर माइंड इज ऑलवेज इन्वॉल्व, राइट? और अगर आप स्ट्रेस हैं, अगर आपके माइंड में स्ट्रेस है, तो वो आपके बॉडी में जरूर रिफ्लेक्ट करता है. सो इफ यू गो इन टू टेस्टिंग लाइक एलियंस, यू विल सी दैट the stress will reflect in your other systems also. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम योगा कर रहे हैं तो मेडिटेशन को अपने लाइफ में ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाएगा. सर, अगर बिगिनर्स हैं जो जिन्होंने योगा अभी तक स्टार्ट नहीं किया और वो चाहते हैं कि योगा स्टार्ट करें, तो कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं या फिर कौन सी ऐसी एडवाइस है जो आप देना चाहोगे टू स्टार्ट एनीथिंग, टू स्टार्ट योगा? सी, इफ यू वांट टू लर्न, कोई भी अगर सीखना चाहता है योगा, तो सबसे अच्छी पहली बात उन्हें ये करनी होगी कि दे हैव टू फाइंड अ गुड टीचर या एक गुड स्टूडियो. जैसे आप कोई भी शिक्षा लेने जाते हैं तो यू गो टू द बेस्ट ऑफ द स्कूल या बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट. सिमिलर इज विद योगा, क्योंकि अगर आप कहीं गलत सीखते हैं तो फिर वो बहुत टाइम लगता है आपको करेक्ट होने में. सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू फाइंड अ वेरी गुड टीचर, या अगर टीचर नहीं है तो योगा स्टूडियो कोई बहुत अच्छा अपने आसपास लोकेलिटी में ढूंढ के यू लर्न फ्रॉम द राइट सोर्स. बट सर, अभी तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत वीडियोज हैं, और मतलब लोग सिखा रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर, तो हम उससे भी लर्न कर सकते हैं. आप सीखने के लिए कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू लर्न फ्रॉम द टीचर, बिकॉज योगा इज अ लाइव सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ डेड सब्जेक्ट, इट्स अ लाइव सब्जेक्ट एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम अ लिविंग टीचर. ओके, एंड मैं ये बताना चाहूंगी कि योगा अगर आप सीखते हैं तो अगर आपने गलत सीख लिया कैसे भी, चाहे यूट्यूब से चाहे इंस्टाग्राम से, और अगर गलत सीख लिया तो उससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है और लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसे क्योर करना डिफिकल्ट हो जाता है. बिल्कुल सर. सर, मैं जानना चाहूंगी कि हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रॉपर ब्रीथिंग एंड माइंडफुलनेस ड्यूरिंग योगा या फिर हमारी लाइफ में, क्योंकि अभी हम ब्रीथिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं अपने. एंड मैंने ये सुना है कि इफ यू वांट टू फील पीस विद इन,
देन आप अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो। तो किस तरह फोकस करें सर? ये मैं जानना चाहूंगी। सी ब्रेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ब्रेथ जो है वो एक तरह का ब्रिज है जो माइंड और बॉडी को कनेक्ट करता है। तो अगर अपने माइंड को आपको हेल्दी रखना है या बॉडी को हेल्दी रखना है, तो बिना ब्रेथ के हेल्थ के आप नहीं कर सकते। इसलिए हमारी क्लासेस में हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ब्रेथ कंट्रोल पे। और अगर आप प्राणायाम के जरिए अपने ब्रेथ को रिलैक्स कर पाते हैं, और डेली लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, अगर आप अपने ब्रेथ पे कंट्रोल है आपका, तो आपके माइंड पे भी कंट्रोल है और आपकी बॉडी पे भी कंट्रोल है। ओके, तो ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर हम योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं तो ब्रीथिंग इसका भी एक पार्ट है। पार्ट है। इवन आसन प्रैक्टिस करते समय भी हम काफी ब्रेथ पे ध्यान फोकस करते हैं। ओके सर, जैसे मैंने आपसे बताया, आपसे पूछा भी, हम ये बात कर ही रहे थे कि मैनी पीपल फेस सो मच स्ट्रगल टू मेंटेन अ योगा रूटीन और अ मेडिटेशन रूटीन। तो इस तरीके से अगर कोई जिनको प्रॉब्लम होती है, जो चाहते हैं कि योगा में इन्वॉल्व हो बट वो नहीं कर पा रहे, तो कुछ ऐसे टिप्स या फिर ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं जो वो अपना सकते हैं और उससे उनको हेल्प मिले?